फाइलेरिया के बारे में मैंने सुना तो था। हमारे गांव में एक दो फाइलेरिया के मरीज भी थे, पर हमने ज्यादा सोचा नहीं और घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। कभी नहीं लगा कि ये हमको भी हो सकता है। बड़ी गलती कर दी। अब ठीक तो नहीं हो सकता, सिर्फ रोकथाम की जा सकती है। हाथी पांव यानी फाइलेरिया, इस बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यह बीमारी मच्छर के काटने से होती है और एक बार हो गई तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। और आपको तो पता ही है कि कैसे सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं, इस बीमारी का असर रोजी रोटी और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है, क्योंकि फाइलेरिया संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। ये किसी को भी हो सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति अन्य लोगों के लिए इस बीमारी का कारण बन सकता है। फाइलेरिया का संक्रमण आपके शरीर में किसी भी उम्र में हो सकता है। इसे बीमारी में बदलने में लंबा समय लगता है, पर यह एक बार हो जाए तो इसका इलाज मुश्किल है। सिर्फ हाथी पांव एवं हाइड्रोसिल ही नहीं, फाइलेरिया के कारण स्तन में सूजन एवं धात रोग भी हो सकता है। भारत के कई क्षेत्रों में अभी भी बहुत ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में। वैसे फाइलेरिया से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर साल सरकार MDA अभियान के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में फाइलेरिया से बचाव की दवा निशुल्क खिलाती है। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी दवा लेकर आपके घर आएंगे, उनके सामने ही आप सभी लोग दवा खाएं। MDA अभियान के दौरान हर साल ये दवा खाने से आप खुद को और अपने परिवार को फाइलेरिया से बचा सकते हैं। याद रहे, फाइलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास जल जमाव ना होने दें और MDA के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। तो क्या समझे, फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें। मिलके रोकेंगे फाइलेरिया।